हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में से सम नंबर 5 के 7th, 8th, 9th एंड 10th पार्ट को। तो यहाँ पर 7th पार्ट में हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। तो यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर में से साइन थीटा को कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा को कॉमन लेने के बाद वहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में से हम कॉमन लेंगे कोस थीटा को, और कोस थीटा को कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और आपको पता है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और राइट हैंड साइड में टेन थीटा ही यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा से ही हमारा टेन थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को कैंसिल आउट करना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है साइन थीटा और डिनोमिनेटर में है कोस थीटा, तो हम इन दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर या तो साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इस कोस को साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इस साइन थीटा को हमने एज इट इज़ लिख दिया है, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस वन को भी एज इट इज़ लिख दिया, इस टू को भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी उनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, एंड माइनस 2 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वही टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस 1 है तो यहाँ पर भी माइनस 1 है, यहाँ पर अगर 2 कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर भी 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कि हम इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा जो कि इक्वल होता है टेन थीटा के। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा, और यही इस सम की राइट हैंड साइड है। इसके बाद 8th पार्ट, तो 8th पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, और इसको हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन का स्क्वायर, फिर कोसिकेंट का स्क्वायर, एंड देन 2ab यानी कि 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, और सेम यही आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होगी इसके लिए भी, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोस ए का स्क्वायर सीकेंट ए का स्क्वायर एंड देन 2 इंटू कोस ए इंटू सीकेंट ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और इसके पास हम लेकर आएंगे कोस स्क्वायर ए को। इन दोनों को एक साथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये 1 के इक्वल होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, तो हमें पता है कि साइन एंड कोसिकेंट दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसमें से हम 2 साइन ए को तो एज इट इज़ लिख देंगे, बट कोसिकेंट ए की जगह पर हमने लिख दिया है 1 बाय साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए, तो कोस एंड सीकेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 कोस ए को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और इस सीकेंट ए की जगह पर हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाय कोस ए। अब इसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर ए को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, एंड सीकेंट स्क्वायर ए को भी यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये होता है 1 के इक्वल,
इसके बाद यहाँ पर साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा तो इसमें सिर्फ बचेगा 2। इसी तरह से कोस ए डिवाइड हो जाएगा तो इसमें भी सिर्फ बचेगा 2। अब इसके बाद जो यहाँ पर टर्म्स हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए एंड सीकेंट स्क्वायर ए, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जैसे कि थर्ड आइडेंटिटी आपको बताई गई थी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसलिए इस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह पर हमने यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया है। और अब सेकंड वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके हम सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर टैन स्क्वायर ए एंड कोट स्क्वायर ए है, इसलिए हमने इस कोसिकेंट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है एंड सीकेंट स्क्वायर ए को हमने टैन स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हम लिखेंगे टैन स्क्वायर ए को एंड देन हम लिखेंगे कोट स्क्वायर ए को, और यही इस सम की राइट हैंड साइड है। इसके बाद 9th पार्ट, तो 9th पार्ट में हमें प्रूफ करना है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, ये इक्वल होना चाहिए 1 बाय टेन ए प्लस कोट ए के। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कोसिकेंट ए को हम कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में। हमें पता है कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोसिकेंट ए की जगह पर हम लिख देंगे 1 बाय साइन ए। फिर इस साइन ए को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, देन सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, और इस कोस ए को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद हम यहाँ पर साइन ए के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को एंड साइन ए और 1 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा साइन ए। फिर हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कोस ए के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, देन कोस ए और 1 का एलसीएम आ जाएगा कोस ए। फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई एंड कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर ए। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहाँ पर साइन ए से साइन ए का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह से कोस ए से जो कोस ए का ये स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। तो आप देख सकते हो कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमें इसका सोल्यूशन मिला है कोस ए इंटू साइन ए, और ये इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना होगा। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं वो है टैन ए एंड कोट ए, तो हम टैन और कोट को कन्वर्ट कर देंगे साइन और कोस की फॉर्म में। तो हम वहाँ पर टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। इसके बाद हम यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कोस ए इंटू साइन ए का एलसीएम आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, फिर साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ तो साइन स्क्वायर ए, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ तो कोस स्क्वायर ए, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के। तो इसके बाद जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये 1 के डिवाइड में लिखा हुआ है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए इन टू साइन ए डिवाइड बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 को हम लिखें या ना लिखें इससे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ कोस ए इंटू साइन ए को ही लिख सकते हैं। तो अब इस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तो हमारे पास सोल्यूशन में आया था कोस ए इंटू साइन ए, और जब हमने इसके राइट हैंड साइड को सोल्व किया है तो भी हमारे पास सोल्यूशन में आया है कोस ए इंटू साइन ए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद 10th पार्ट, तो 10th पार्ट में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस
tan square a divided by 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a divided by 1 minus cot a ka whole square equals to tan square a. तो यानी कि हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और इसको tan square a के इक्वल प्रूफ करेंगे. उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे और इसको भी हमें tan square a के ही इक्वल प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको सोल्व करेंगे. तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है. इसके बाद हम यहाँ पर tan एंड cot को कन्वर्ट करेंगे sin और cos के फॉर्म में. तो हम यहाँ पर tan को लिख सकते हैं sin a डिवाइड बाय cos a. तो जैसे कि यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो यहाँ पर sin और cos का भी स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह से cot को हम लिख सकते हैं cos डिवाइड बाय sin. तो जैसे कि यहाँ पर cot का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी cos एंड sin का स्क्वायर आ जाएगा. इसके बाद हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, और एलसीएम लेकर जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो cos स्क्वायर a की मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a से. इसी तरह से यहाँ पर भी हम 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, और यहाँ पर भी जब हम एलसीएम लेकर इनको कंबाइन करेंगे तो साइन स्क्वायर a की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड 1 की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a के साथ. अब इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a या फिर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर भी लिख देंगे 1 को और इसकी जगह पर भी हम लिख देंगे 1 को. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बचेगी वो है कि 1 बाय cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर a. अब इसके बाद जब हम 1 बाय साइन स्क्वायर a का रेसिप्रोकल करके इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1 बाय cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड cos स्क्वायर a की मल्टीप्लाई भी 1 के साथ. तो साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a के इक्वल. और आप यहाँ पर स्टेटमेंट में देख सकते हो कि हमें इसको सोल्व करके tan स्क्वायर a के इक्वल ही प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया है. अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे इस पार्ट को जिसमें है 1 माइनस tan a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी tan एंड cot को हम कन्वर्ट कर देंगे sin और cos की फॉर्म में. तो सेकंड पार्ट को पहले एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है. इसके बाद हम यहाँ पर tan a को लिख सकते हैं sin a डिवाइड बाय cos a, एंड साथ ही हम cot a को भी लिख सकते हैं cos a डिवाइड बाय sin a. फिर हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, और cos a की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड 1 की मल्टीप्लाई sin a के साथ. इसी तरह से इस 1 के डिवाइड में भी हम लेट करेंगे 1 को, तो यहाँ पर sin a की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई cos a के साथ. अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है cos a माइनस sin a, और ये लिखा हुआ है sin a माइनस cos a. यानी कि टर्म्स दोनों सेम है लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है. तो इन दोनों के ऑर्डर को इक्वल बनाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक में से माइनस के साइन को कॉमन लेना होगा. तो जैसे ही हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, हम यहाँ पर न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, और माइनस को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये जो साइन ए है ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो कोस ए है ये हो जाएगा नेगेटिव. इससे अलग बाकी जो टर्म्स थी उनको एज इट इज़ हमने लिख दिया है. अब यहाँ पर हम साइन ए माइनस कोस ए से इस साइन ए माइनस कोस ए को डिवाइड कर सकते हैं. तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 1 बाय साइन ए, क्योंकि हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया था. अब इसके बाद जब 1 बाय साइन ए के रेसिप्रोकल को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि माइनस 1 बाय कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए साइन ए डिवाइड बाय 1. तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए. या आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और ये जो होल स्क्वायर है इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है. अब इसके बाद साइन ए डिवाइड बाय कोस ए ये होता है टेन के इक्वल, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको टेन लिख देंगे,
ऊपर ये जो माइनस है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब आपको पता है कि जब भी हम एक नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए माइनस टेन ए का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में ही टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका सेकेंड पार्ट हमें दिया गया था इसको भी सोल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए के ही इक्वल शो करना था, जो हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.4 और अपने चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। तब तक आप इस चैप्टर के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।